तो समीर मोहंती ने पत्र लिखा है, कांग्रेस के लीडर को भी लिखा है, जेएमएम के लीडर को भी लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा, लिख रहे हैं कि भाई 6,000 रुपया बूथ में दिया गया था, उसमें लिख रहे हैं 4,000 ही मिला, 2,000 रुपया लोग खा गए, और फिर उसमें से ये भी लिखा है कि और कार्यक्रम के लिए 25,00,000 रुपया अतिरिक्त दिया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ यहाँ कि उन्होंने लिखा, हालांकि आज मैंने देखा कि उसको किस प्रकार से खंडन किया है, क्योंकि उनको आप समझ में आ गया है। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। जेएमएम प्रत्याशी के एक पत्र से पूरे इंडिया गुट में मच गया हड़कंप। बाबूलाल मरांडी ने खोल दिया मोर्चा। अगर ये पत्र सही पाया गया तो फिर इंडिया गुट की मुश्किलें बढ़नी है, तय विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव से पहले आलमगीर आलम के पीए के पास से कुछ करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ये खुद मानते हैं कि वो मसला लोकसभा चुनाव में इफेक्ट कर गया, लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हुआ, कांग्रेस के नेताओं को डिफेंड करने में नहीं बन पाया आलमगीर आलम वाले मसले को। अब जिस तरीके से जेएमएम प्रत्याशी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर एक बड़ा आरोप लगा दिया, पत्र बकायदा लिख दिया, और उस पत्र में लिखा है कि प्रत्येक बूथ पे जो है 6,000 रुपये लिफाफे में दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बकायदा उसमें से 2,000 रुपये खुद के पास रख लिए, मात्र 4,000 रुपये दिए, जिसके बाद जो है कार्यकर्ता वो असंतुष्ट हो गए, इसलिए हमारी हार हुई। ये जेएमएम प्रत्याशी जमशेदपुर से जो है वो समीर मोहंती थे। अब इस मसले को लेकर बाबूलाल मरांडी एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से तो करोड़ों का खेल हुआ है, जितना बूथ है अगर जोड़ दिया जाए तो करोड़ों का खेल हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी और कैसे पूरी पोल खोली है, और अगर ये पत्र सही पाया गया तो कैसे इंडिया गुट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपको हम पूरे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे थे जेएमएम के समीर मोहंती, तो समीर मोहंती ने पत्र लिखा है, कांग्रेस के लीडर को भी लिखा है, जेएमएम के लीडर को भी लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा, लिख रहे हैं कि भाई 6,000 रुपया बूथ में दिया गया था, उसमें लिख रहे हैं 4,000 ही मिला, 2,000 रुपया लोग खा गए, और फिर उसमें से ये भी लिखा है कि और कार्यक्रम के लिए 25,00,000 रुपया अतिरिक्त दिया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं यहाँ कि उन्होंने लिखा, हालांकि आज मैंने देखा कि उसको किस प्रकार से खंडन किया है, क्योंकि उनको आप समझ में आ गया है। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। जैसे एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2,000 के संख्या में औसत में बता रहा हूं कि ये बूथ रहता है, अगर 6,000 ही करेंगे तो 2,000 को ने बार 1,20,00,000 रुपया ये हो जाता है, और उन्हीं के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक विधानसभा 25,00,000 रुपया अतिरिक्त दिया तो 6 विधानसभा है तो 1.5 करोड़ वो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उनका पत्र के हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 करोड़ रुपया तो एक लोकसभा क्षेत्र में लोगों ने खर्चा किया, अब ये साफ दिख रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की ओर से खर्च करने के कितना है 95 लाख। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि भाई, और ये आश्चर्य है कि ये लोग भ्रष्टाचार किस हद तक एक तो करते हैं, जहां भी अवसर मिले वहां ये लोग लूटते हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे जेएमएम वाले हो, वो आपको वहां साफ दिखता है। और हम इलेक्शन कमीशन से तो हमने कहा कि भाई इतना इतना नोट ये लोगों ने खर्चा किया, ये तो उनके पत्र से वो झलक रहा है, तो हम जरूर कहेंगे कि वो सारे लोग जहाँ चुनाव लड़े तो इस पर उसको जांच करनी चाहिए। उस चिट्ठी पर उन्होंने आज कहा कि भाई मेरा फॉल्स हस्ताक्षर है तो ये नंबर नहीं है, तो हम बोले कि वो सब चिट्ठी लेकर के उसका फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि भाई उनका फॉल्स हस्ताक्षर है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा। तो हमें लगता है कि ये जो गड़बड़ी ये लोग कर रहे थे, उस समय ही हम लोग देख रहे थे तो हम बोरा से लोग पैसा बांट रहे थे घूम घूम करके सब जगह पर।